राम जन्मभूमि कैंपस में मौजूद मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के कमांडो को संदिग्ध परिस्थिति में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल होने के कारण कमांडो को श्रीराम अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल पीएसी कमांडो की हालत गंभीर होने के कारण उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने घटना की जांच करने का भी आदेश दिया है। पुलिस कमांडो 23वीं वाहिनी पीएसी में तैनात है। वो अमेठी जिले के थाना जामो के अचलपुर गांव के रहने वाले हैं। उनका परिवार लखनऊ में रहता है और पुलिस कमांडो को गोली कैसे लगी है इसकी जांच पुलिस टीम कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजकरण नैयर समेत बड़े अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। अयोध्या से कबलजीत सिंह की रिपोर्ट। प्लाटून कमांडर श्री राम प्रसाद जी को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब वे अपने ऑफिस में बैठे थे उस समय जानकारी हुई थी कि उनको यह गोली लगी है। सूचना मिलते ही तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हॉस्पिटल में, जहां दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में उनको उपचार के लिए जाया गया था, वहां जाकर के डॉक्टरों से वार्ता की गई। प्राथमिक उपचार के बाद उनको वहां से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ भेज दिया गया, जहां पे वर्तमान में वह इलाजरत हैं। इस समय उनका ऑपरेशन हो रहा है। इसके सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके का मुआयना किया गया। मौके को देख करके फील्ड यूनिट की ऑब्जर्वेशन और फील्ड यूनिट से बात करके, इसके अतिरिक्त जो भी डॉक्टर हैं जिन्होंने श्री राम प्रसाद जी को ट्रीट किया, उनसे वार्ता करके एंट्री एग्जिट वुंड को देख करके प्रथम दृष्टया यह मामला एक्सीडेंटल फायरिंग का लग रहा है। बाकी सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी आगे प्रगति होगी, एक बार स्वयं प्लाटून कमांडर राम प्रसाद जी से डॉक्टर हमको वार्ता करने देंगे इलाज के बाद, तो आगे के जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे।